एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के ताजा मौसम समाचार में। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, क्या है मौसम विभाग की चेतावनी। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। वीडियो को एंड तक देखिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपी में अगले 24 घंटे में तबाही मचाएगा मौसम। 3 संभागों और 35 जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान, विपार जॉय का असर। दरअसल मानसून की रफ्तार सामान्य है। मानसून की ट्रफ उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश से उत्तरी ओडिशा होते हुए पूर्वी बिहार, उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार सहित उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। 2-3 दिनों में इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। तो फिलहाल 7 दिनों तक यह सिलसिला जारी रहने वाला है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, काले बादल छाने के साथ ही तेज हवा चल रही है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। वहीं इस पूरे सप्ताह उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि 2 दिन आसमान साफ रहने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। गरज चमक के साथ बारिश और आंधी का सिलसिला शुरू। यूपी के विभिन्न अंचलों में आज से गरज चमक के साथ बारिश और आंधी का सिलसिला शुरू हो चुका है। 20 जून तक जारी रहेगा। मानसून के साथ ही चक्रवाती तूफान का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पूरे भारत में मानसून के पहुंचने के आसार बन रहे हैं। इससे पहले प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। चक्रवात का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इससे पहले चक्रवात का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें चमक के साथ बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। पूर्वी अंचल में छुटपुट बारिश का दौर जारी है। गर्मी का प्रकोप फिलहाल जारी रहेगा। प्रयागराज को सबसे गर्म स्थान मानते हुए तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश में जून के महीने में भीषण गर्मी का कहर जारी है। तेज लू चलने के साथ ही सुबह से प्रदेश के जिलों में धूप निकली हुई है। उत्तर प्रदेश में आज 18 क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। तो वहीं अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। कल से भारी बारिश का दौर शुरू होगा। तो वहीं 22 जून तक मेरठ में बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी गई है। बरेली में आज धूप निकलने का पूर्वानुमान जताया गया है। लखनऊ में 43 डिग्री तापमान के साथ तेज धूप निकल रही है। तो वहीं गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में आज बारिश देखी जा रही है। वहीं चक्रवात का असर उत्तर प्रदेश में नहीं, मुंबई और गुजरात में इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कानपुर में तेज रहेगी आंधी। हालांकि चक्रवाती तूफान के कारण उत्तर प्रदेश में ठंडी हवा का प्रचलन बढ़ जाएगा। 2-3 दिनों तक के लिए मौसम अनुकूल हालात में है। इससे पहले सबसे गर्म रहा तो 1974 में रिकॉर्ड किया गया था। 10 जून को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश के हिस्सों में मानसून के संकेत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू का प्रभाव खत्म होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही इसका प्रभाव समाप्त होने वाला है। चक्रवाती प्रभाव दिखाएगा अपना। पूर्व भारत और उस सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के हिस्सों में मानसून के संकेत मिल रहे हैं। इनमें लू का अलर्ट। आज कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा और फतेहपुर में लू और हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजा तरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।